हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, कल मॉर्निंग में मैं जैसे ही अपना मेडिटेशन करके उठी तो उसके बाद मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर गाइडेंस रिसीव हुई कि आखिर क्यों ट्विन फ्लेम्स थोड़ा इनर वर्क करके या कुछ वक्त तक इस जर्नी में रुकने के बाद उनको अफसोस होने लग जाता है। फ्रेंड्स, प्रेम जब घटित होता है तो दोनों प्रेमी एक दूसरे को मुक्त कर देते हैं। प्रेम सदैव मुक्ति के साथ ही आता है। जहाँ जहाँ प्रेम है वहाँ मुक्ति है। जहाँ प्रेमी को पाने की चाहत बढ़ती रहे, आतुरता बढ़ती रहे, समझो वहाँ बंधन है। जहाँ आप इम्पेशेंट हो जाते हो, पाने की इतनी आतुरता कि दूसरे व्यक्ति की सहमति है या नहीं, उसकी खुशी है या नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं। एक तरफा पाने की चाहत में आप सिर्फ अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हो। व्यक्ति सोचता है कि चाहत पूरी ना हुई तो दुख दर्द मिलेगा, बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होती है तो उसको अंजाम पता होता है कि कितने पेन से वो गुजरेगा, तो वो इसकी फिक्र भी छोड़ देता है कि दूसरा खुश है कि नहीं है। खुश नहीं भी है तो भी चलेगा, पर मेरा खुश होना ज़रूरी है। गौर कीजिए, यहाँ सिर्फ मैं खुश होना चाहता है। मैं यानी अहंकार, वो खुश होना चाहता है। अहंकार किसी और की खुशी देख ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जहाँ अहम होता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है व्यक्ति। आपने एक तरफा प्यार में ऐसे केसेस सुने ही होंगे कि कोई एक प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है तो एसिड अटैक हो जाते हैं, रेप मर्डर हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी टेंडेंसी है जो ना सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती, नो नहीं सुन पाती है किसी का? वो टेंडेंसी जो व्यक्ति को हत्या, एसिड अटैक के लिए मजबूर कर देती है। हालांकि एक तरफा प्यार में वहाँ प्रेम होता भी नहीं है, प्यार नहीं होता है, होता तो सिर्फ आकर्षण ही है। तो वो टेंडेंसी है पाने की आतुरता। बस ऐसे लोगों को बोला ही जाता है सिरफिरा, यानी पागल। अब रावण भी तो सिरफिरा ही था, पाने की आतुरता ही तो थी उसमें, जिस कारण सीता का अपहरण किया। अहम वृत्ति इतनी थी कि सिर्फ अपनी खुशी दिख रही थी। माँ सीता की खुशी किस में है उससे उसको कोई मतलब नहीं था। फ्रेंड्स, मैं यहाँ दो सिचुएशंस रखती हूँ। पहली सिचुएशन जहाँ आपका इनर यूनियन तो हो गया है पर ना डीएम का डिवाइन से कनेक्शन बना है, ना उनके एडिक्शंस छूटे हैं। ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जहाँ आपका इनर यूनियन हो चुका है, कोई फिजिकल यूनियन नहीं है पर डीएम डिवाइन से कनेक्शन है। वो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स को तोड़ रहे हैं। तो अब आप बताइए कमेंट्स में कि दोनों सिचुएशंस में कहाँ दुख है और कहाँ मुक्ति और खुशी है, ये आप ही बताएंगे कमेंट्स में। आप डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों सिचुएशंस में कि कहाँ सबसे ज़्यादा एक डीएफ को पेन मिलता है और कहाँ वो हैप्पी फील करती है, पीस में रहती है। इनर यूनियन, फिजिकल यूनियन इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि सोसाइटी रोमांस और प्रेम के बीच का भेद भूल चुकी है। जो बॉलीवुड दिखा रहा है उससे प्रेम समझा जा रहा है, जो वेडिंग फ़ोटो शूट्स हो रहे हैं उससे प्रेम समझा जा रहा है, हॉर्मोन्स के चलते जो कुछ हो रहा है उससे प्रेम समझा जा रहा है, फीलिंग्स जितनी उठ रही है, इमोशंस जितने उठ रहे हैं उसे भी प्रेम समझा जा रहा है। कौन कितनी अच्छी लग्जरी लाइफ दे रहा है उससे प्रेम समझा जा रहा है। पर सत्य ये है कि जहाँ कनेक्शन उस सुप्रीम पावर से है वही प्रेम है, जहाँ सेवा भाव है वही प्रेम है, जहाँ भक्ति है, करुणा है वही प्रेम है। हमारे सनातन धर्म में इसे ही प्रेम की परिभाषा कहा गया है
ऐसा ही होता है प्रेम। जहाँ निर्मोही चित्त है, कोई मोह नहीं है, वही प्रेम है। काफ़ी लोग हैं जो दावे के साथ इस जर्नी से जुड़ते हैं, खुद को ट्विन फ्लेम का टैग देते हैं कि हाँ आई एम दी ट्विन फ्लेम, पर कुछ टाइम बाद जब डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उनको, तो कईयों को अफसोस भी होता है कि क्यों इस जर्नी में टाइम वेस्ट किया। अफसोस ये सोच के करते हैं कि इतना इनर वर्क किया और कुछ पाया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। इनर वर्क करने का अफसोस करते हैं, उस बात का अफसोस नहीं होता है कि एक पर्सन के पीछे इतना टाइम वेस्ट किया। अफसोस होता है इनर वर्क करने का कि क्यों किया। फिर वो अपने आसपास 3D के लोगों को देखते हैं कि इतने पाप कर्म करते हुए भी इतने खुश हैं ये लोग, इतने रिच हैं। तो उसके पीछे का कारण है कलयुग। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इस बात को अच्छे से समझिए कि ऐसा क्यों होता है। अब हम ट्विन फ्लेम रहते तो 3D वर्ल्ड में हैं, पर हमारा आचरण, हमारा खान पान, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हमारी जीवन शैली सब सत्यों की होती है। नाम स्मरण, जप, साधनाएं, ये 3D की एनर्जी वाले लोग नहीं करते हैं। कलयुग में रह के हम सत्युग जैसा जीवन जीते हैं, तो कलयुग को ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो वो क्या करता है, कलयुग का पालन करने वाले लोगों को सुंदर सुखी बना करके आपको दिखाता है। कलयुग ये दिखाता है कि देखो, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, पाप कर्म करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला कितना सुखी घूम रहा है। धन ऐश्वर्य सब है उसके पास, जो कलयुग के हिसाब से चलता है, और तू देख राम राम जपता है फिर भी कितना दुखी है। तो यहाँ आपके मन में संशय प्रकट होता है, डाउट आता है मन ही मन, और ये संशय कलयुग ही प्रकट करवाता है। इसलिए वो उन लोगों को सुखी दिखाता है। वो लोग होते नहीं हैं सुखी जो कलयुग के नियमों का पालन करते हैं, माँ दुखी होते हैं अंदर से, भीतर से, जिनको एनर्जी वैम्पायर्स भी बोलते हैं हम। पर कलयुग ऐसा दिखवाता है कि देखो मेरे नियमों का पालन करने वाले कितने सुखी हैं, और हम सब जो सत्युग का पालन कर रहे हैं कितने दुखी हैं, कुछ नहीं हमारे पास। इसलिए कई लोगों को अफसोस होने लग जाता है, क्योंकि वो चारों तरफ देख रहे हैं कि 3D में रहने वाले, रोमांस की एनर्जी में, लस्ट की एनर्जी में रहने वाले कितने खुश हैं। आप 3D के लोगों से इनर वर्क, मेडिटेशन की बातें करके देखना, कहेंगे कि बकवास चीज़ है। वो आपकी बातों को ही इग्नोर कर देंगे, आप पे ध्यान ही नहीं देंगे, कोई महत्व नहीं देंगे। आप जो भी मेडिटेशन और ये सब बता रहे होगे, आप इम्पोर्टेंस बता रहे होगे, क्या चेंजेस आए हैं इनर वर्क करने के बाद, वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। हो सकता है आपके DM भी कह दें कि ये सब बकवास है, क्योंकि उन सब पर कलयुग का प्रभाव है। वो अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं, आप अलग टाइमलाइन में जी रहे हैं। इनर यूनियन के बाद आपकी टाइमलाइन चेंज हो जाती है, आप हायर डायमेंशंस में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ हर डायमेंशन के लोग रहते हैं, पर उनकी पहचान सिर्फ उनकी एनर्जी, थॉट पैटर्न्स, लाइफ से ही हो पाती है, उसी से पता लगाया जा सकता है। इससे मैं बार बार समझाती हूँ कि फिज़िकल यूनियन की क्रेविंग से बाहर रहिए, अपने फिज़िकल यूनियन को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो भी सब डिवाइन ही देखेंगे। वो रोमांस करने वाले जो कपल हैं, वो एक्चुअल में कलयुग के नियमों पे चल रहे हैं, और उन्हें देख देख के आपको अफसोस होता है। आपके अंदर ये रोमांस का, मैरिज का जो कीड़ा है, जो थॉट है ना, सब प्री कंडीशनड है। सोसाइटी ने, फैमिली ने उसे पहले से ही कंडीशन कर रखा है आपके अंदर। और अच्छा, रोमांस करने वाले अगर इतने खुश होते तो फिर इतने डाइवोर्स केसेस भी क्यों हैं, क्यों हो रहे हैं? फिर तो डाइवोर्स होने ही नहीं चाहिए। अगर रोमांस ही रियलिटी है तो डाइवोर्स होने ही नहीं चाहिए। और जो ऐसी मैरिजेस में रहते हैं
उस ट्रॉमेटिक रिलेशन में वो भी घुट घुट के जी रहे होते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं। और फ्रेंड्स, आपको दिख जाए किसी चैनल पे रोमांटिक रोमांस इन सब की ज़्यादा बातें हो रही हैं, रोमांस को ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ा जा रहा है, कैप्शंस भी रोमांस के होते हैं, तो तुरंत वो चैनल छोड़ दो। ऐसे कोचेज जो ट्विन फ्लेम्स को जर्नी को रोमांस से जोड़ रहे हैं, वो खुद ट्विन फ्लेम है ही नहीं। समझ लीजिए कि वो अपने कस्टमर्स बना रहे हैं। रोमांस वास्तविक प्रेम की भ्रूण हत्या कर देता है। रोमांस दो व्यक्तियों के बीच प्रेम को पनपने ही नहीं देता। ये जो ड्रीम वेडिंग, ड्रीम पार्टनर, ड्रीम होम, ड्रीम हनीमून, ये सारे थॉट्स आप में रोमांस का बीज बो रहे हैं। प्रेम की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति खुद ही मिट जाता है। रोमांस क्या खाक बचेगा उसका? और ये जो टैरट्स के वीडियोस पे इतनी भीड़ दिखती है ना, वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इतनी स्पिरिचुअल होती है, वो टिक ही नहीं सकते हैं ऐसे वीडियो पे। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो महीने सुन लेते हैं जब उनकी अवेकनिंग होती है, क्योंकि हाँ, जब आपकी अवेकनिंग ट्रिगर करते हैं DM आके, तो स्टार्टिंग उस कनेक्शन की होती है, रोमांस से ही होती है। पर उस एनर्जी में ट्विन फ्लेम्स नहीं टिक पाते हैं, ऐसे चैनल्स टेरर्स पे वो नहीं टिक पाते हैं। पर जैसे जैसे उनका इनर वर्क बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे उन्हें खुद ही ऊब आने लग जाती है ऐसे वीडियोस से, ये सब सुन के। और मैं सच बोल रही हूँ या नहीं, ये सिर्फ वही DF समझ पाएंगी जो हाई कॉन्शियसनेस में हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही थी गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।